यूपी सरकार जहां इस कोरोना काल के दौरान लोगों को हर सहूलियत मिल सके उसके लिए लगातार कटिबद्ध है और सरकार दावा कर रही है कि इस कोरोना काल के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, प्रदेश के हर नागरिक को हर संभव मदद की जा रही है। लेकिन इन सब से उलट सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्षी दलों द्वारा तो लगाया ही जा रहा है, तो वहीं रायबरेली जिले में भाजपा के नगर अध्यक्ष संतोष पांडे ने कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि कोरोना काल के समय भी ऊंचे दामों पर सैनिटाइजर और कोविड-19 में प्रयोग करने वाले इक्विपमेंट की सप्लाई करवाई जा रही है, जिसको लेकर इन्होंने कई बार जिला प्रशासन को अवगत भी कराया, तहरीर भी दी, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई न होते देख उन्होंने आज जिला प्रशासन के समक्ष अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। अभी जैसा कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सैनिटाइजर को इस कोरोना जैसी महामारी के वजह से आम जनमानस को लाभ देने के लिए 175 रुपये MRP का सैनिटाइजर मात्र 50 रुपये में बेचने का आदेश किया है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी लोग जो समाज को दूषित करने का काम करते हैं वो सैनिटाइजर को आज भी चोरी से 175 रुपये का बेच रहे हैं, जिसका सबूत मैंने माननीय DM महोदया जी को पिछले महीने बिल सहित 16/6/2020 को दिया था, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी कर रहे हैं वो मैं होने नहीं दूंगा। क्या लगता है जब आप सरकार के आदमी हैं आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनमानस की क्या समस्याएं सुनी जाती हैं? नहीं, सबके ऐसा नहीं है, सुनी जाती है, लेकिन इसमें कुछ हमें जो लग रहा है, क्योंकि ये कई करोड़ का मामला है, इसमें करोड़ों के सैनिटाइजर और मास्क बेचे गए हैं, मास्क और सैनिटाइजर में करोड़ों के वारे नारे हुए हैं, इसलिए इसका जो है खुलासा होना, इसमें भ्रष्ट अधिकारी कोई संलिप्तता की जांच होना अति आवश्यक है। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, आज जो है DM महोदया जी के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहा हूँ, और अगर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर नहीं होती है तो बस सीधे जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे।